हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में देखेंगे ये स्ट्रॉस का साइकिल हैंडल बार एक्सटेंशन। तो ये मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है। इसका कॉस्ट है 449 रुपीज़। अनबॉक्सिंग तो मैंने ऑलरेडी करके इंस्टॉल किया था, लेकिन इसको अभी ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ ऐसे बॉक्स में आता है। तो मैंने जो लिया था ये ब्लैक कलर में लिया है, मेरे साइकिल का कलर भी ब्लैक ही है। ब्लैक सूट होगा तो ब्लैक वाला लिया है। बॉक्स में और दूसरा कुछ है नहीं, बस पैकिंग के साथ ये इसके अंदर बस एक्सटेंडर है। दूसरा टूल और कुछ इसके साथ नहीं आता, तो आपको अपना ही टूल लेना पड़ेगा। तो इसमें एलन की लगती है डिफरेंट साइज़ की, तो बताता हूँ मैं आगे। तो मेरे साइकिल में ओरिजिनली जो था हैंडल बार वो यहाँ तक था, और ये जो एक्सटेंडर है स्टेम एक्सटेंडर, तो इससे हाइट यहाँ से यहाँ तक ना बढ़ गया है। सो अराउंड 8 to 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, तो इतना बढ़ गया है। तो ओरिजिनली यहाँ पे 3 रिंग्स थे, 1, 2, 3 जो हाइट एडजस्टमेंट के लिए रहते हैं, और इसके साथ 4 रिंग्स मिले हैं, 1, 2, 3, 4। तो मेरे हाइट के हिसाब से तो मैंने सब रिंग्स रखे हैं। ये वाला पार्ट स्टेम एक्सटेंडर के साथ आता है, तो और भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो ओरिजिनल है वही रखा है, जो एक कैप की तरह है, तो दूसरा कुछ फंक्शन नहीं है। और बीच में एक स्क्रू आता है जो इतना लंबा होता है, इसका हाइट इतना है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको यहाँ से फिट किया जाता है। तो इसके लिए भी एलन की चाहिए। जो ओरिजिनल हैंडल माउंट है इसके लिए भी एलन की चाहिए, और जो नए वाला एक्सटेंडर लिया है उसमें भी एलन की ही चाहिए। तो ये स्ट्रॉस कंपनी का हैंडल एक्सटेंडर है, और दूसरी तरफ से जो एलन की चाहिए, तो ये दो इसके स्क्रूज है, तो इनको भी एलन की चाहिए। मैं इसको निकाल के बताता हूँ अभी इसका इंस्टॉलेशन कैसा है। तो दोनों स्क्रू के लिए तो दो डिफरेंट टाइप साइज़ के एलन की चाहिए। मुझे साइज़ तो पता नहीं, लेकिन आपके पास एलन की का सेट रहेगा तो यूज़फुल है, तो आपको लगेगा एलन की का पूरा सेट। उसमें से दो साइज़ आपके साइकिल के हैंडल के हिसाब से लगेंगे, और जो हैंडल एक्सटेंडर है उसको ये वाली की लगेगी। इसको लूज़ करता हूँ, तो ये वाले स्क्रू को लूज़ करता हूँ जो ओरिजिनल साइकिल के है। तो ओरिजिनल हैंडल बार के दोनों स्क्रू मैंने निकाल लिए है, तो ये वाले है दो। तो इसकी क्वालिटी, ओरिजिनल की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। अब निकालेंगे ये वाले स्क्रू जो हैंडल बार एक्सटेंडर के साथ आए थे। तो इसके लिए तो ये थोड़ी सी बड़े साइज़ के एलन की चाहिए।
तो ये दो वाले स्क्रू निकाल लिए जो एक्सटेंडर के हैं, इसको रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये ऊपर वाली कैप को निकालना है जो स्टेम का स्क्रू है। इतना बड़ा स्क्रू का लेंथ है, हाइट है, सॉरी हाइट है इसका। अब हैंडल को इसे ऊपर उठाना है। मेन हैंडल बार से ये तो अलग कर दिया मैंने, और जो हाइट वाले रिंग्स है वो ये है। तो चार रिंग मिलते हैं इसके साथ। ये है स्नॉस का एक्सटेंडर। तो कल थोड़ा इसमें ऑयल डाला था मैंने, जो मशीन का ऑयल आता है वो डाला था। और ये तीन है इसके जो फायरफॉक्स के ओरिजिनल रिंग्स हैं। तो अंदर के पार्ट को थोड़ा रस्ट हुआ था तो थोड़ा ऑयल डाला है। दूसरी बात, इसमें एक कैप का थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है जब आप रिमूव करते हो, तो इसको फिट करने के टाइम वापस अलाइन करना है। तो यहाँ पे जो गैप है, ये जो गैप है वो नहीं रहना चाहिए। तो आपके साइकिल में को देखना पड़ेगा गैप रहता है कि नहीं। तो मेरे साइकिल में तो गैप है, तो मैं बाद में इंस्टॉल करने के टाइम इसको एडजस्ट करके बिठा दूँगा उसको। तो पहले ओरिजिनल वाले तीन रिंग डालते हैं। ओरिजिनल वाले तीन रिंग डालने के बाद जो एक्सटेंडर का बड़ा हिस्सा है, जो इस पे ब्रांडिंग है, तो ऐसे रहेगा। ये लगने के बाद आपके हाइट के हिसाब से आप रिंग्स हाइट एडजस्टमेंट वाले लगा सकते हैं। तो मेरे हाइट के हिसाब से तो मुझे चारों रिंग चाहिए जो एडिशनल आए हैं। इसके बाद आपको अंदर ऐसे लगाना है। तो अंदर लगा के आपको स्ट्रेट रखना है, और पहले ये स्क्रू लगाने। तो अगर ये गैप का बराबर एडजस्ट नहीं करते तो आपका हैंडल ऐसे उल्टा रहेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए ये रिंग प्रॉपरली एडजस्ट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ गैप रहना नहीं चाहिए, यहाँ पे भी कुछ गैप रहना नहीं चाहिए। बाद में आप आपके टायर और आपका स्टेम अलाइन करके इसको फिट कर सकते हैं। ये फिट करने के बाद जो ओरिजिनल हैंडल का स्क्रूज है वो फिट करना है। तो मैं पहले ये फिट करके लेता हूँ और अलाइन करके लेता हूँ। देखो यार, पहले तो ऐसे गैप था तो ये रिंग्स प्रॉपरली बैठी नहीं थी। तो इसको नीचे करके तीनों रिंग प्रॉपरली बिठा के और थोड़ा प्रेस किया ऊपर से तो वो बैठ जाता है। तो अभी यहाँ पे कुछ गैप नहीं है, यहाँ पे भी कुछ गैप नहीं है। अब आप हिलाने का ट्राई करोगे इसको तो
यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन नहीं आते हैं, तो प्रॉपरली फिट हो गया है ये। अब ये हैंडल और इसको अलाइन करके ये दो स्क्रू लगा लेता हूँ। तो यार ये एक्सटेंडर वाले एक ही साइड से लगा सकते हो, इसके साथ स्प्रिंग वॉशर आता है जो ये है तो ज़रूरी है। और जो ओरिजिनल के साथ है उसमें भी स्प्रिंग वॉशर आता है स्क्रू के साथ, उसको भी लगा लेता हूँ। इसका एक दूसरी साइड से आता है तो ये दूसरी साइड वाला। हैंडल को स्ट्रेट करके प्रॉपरली अलाइन करने के बाद इसको हम टाइट करेंगे। इसके बाद ये सेंटर वाला बड़ा हाइट वाला स्क्रू तो ये यहाँ पे लगाना है। तो इसका टाइटनेस अब ज़रूरी है कि ये कनेक्ट करेगा ऊपर से यहाँ तक। तो हैंडल व्हील प्रॉपरली अलाइन्ड है तो मैं फर्दर टाइट कर सकता हूँ सब स्क्रू, तो बाकी के स्क्रू को टाइट करता हूँ। तो सब स्क्रू टाइट हो चुके हैं और अब हाइट इतनी बढ़ गई है। तो इसको दूसरे नाम भी स्टेम राइजर बोलते हैं, अडाप्टर बोलते हैं, हैंडल एक्सटेंशन बोलते हैं, हैंडल बार स्टेम राइजर बोलते हैं। तो इससे ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं आपके साइकिल को आपके हाइट के हिसाब से। बाकी तो इसका ज़्यादा यूज़ आपको लॉन्ग राइड्स पे होगा, तो आपका बैक पेन और अगर आप आगे झुकते हैं तो हाथ और शोल्डर भी पेन होते हैं तो वो कम हो जाएगा, तो लॉन्ग राइड में ये काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी इसका मटेरियल तो शायद एल्यूमिनियम ही है, तो वेट काफ़ी कम है तो शायद एलॉय एल्यूमिनियम एलॉय है। तो रोड बाइक के साथ तो ये फिट हो जाता है, तो आपके पास MT भी है तो भी ये फिट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी ये पार्ट डाल के साइकिल चला रहा हूँ तो इतना
हाइट में इतना डिफरेंस है अराउंड 8 to 10 सेंटीमीटर्स का। तो राइडिंग पोजीशन अभी काफ़ी कंफर्टेबल है और आगे बहुत कम झुकना पड़ता है। का टेस्ट लेते हैं अभी, तो ये चलाने के टाइम तो की हाइट बढ़ गया है तो काफ़ी कंफर्टेबल है अभी राइडिंग। तो उसका अराउंड 8 to 10 सेंटीमीटर्स से हाइट बढ़ गया है।